चाइना के हैकर ने की निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की फेसबुक आईडी है। पुलिस की सतर्कता से अप्रिय घटना होने से बची। भारत टेक्नोलॉजी में आज नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत की बढ़ती लोकप्रियता से कई देश अचंभित नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा सोशल साइट के माध्यम से भारत पर नजर रखी जा रही है। रक्षा विभाग, उद्योग जगत और देश के प्रति समर्पित रहने का उपदेश देने वाले बड़े संतों पर विदेश में बैठे हैकर इनकी सोशल साइट को हैक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मामला सामने आया है जहां निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की फेसबुक आईडी को चाइना के हैकर द्वारा हैक किया गया। लेकिन हरिद्वार साइबर क्राइम की सतर्कता से हैकर कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे सका। उससे पहले ही कार्रवाई की गई। टीम द्वारा किए गए कार्य पर कैलाशानंद गिरी ने उन्हें सम्मानित किया। महामंडलेश्वर का कहना है कि 6 दिन पहले उनकी फेसबुक आईडी को हैक करके भारत में बंद कर दिया गया, लेकिन फेसबुक आईडी विदेश के कई देशों में चल रही थी। उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटो को चेंज किया गया था। हैकर की क्या मंशा रही होगी उसके बारे में उन्हें नहीं मालूम, लेकिन एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल द्वारा फेसबुक आईडी को चालू किया गया। उनका कहना है कि उनके फेसबुक पेज के माध्यम से लाखों श्रद्धालु उनसे जुड़े रहते हैं। फेसबुक का हैक होना बड़ी घटना थी। 6 दिन पूर्व हमारे फेसबुक आईडी को हैक करके और उसे इंडिया में बंद कर दिया था। विदेशों में चल रहा था वो, पर उसको हिंदी से अंग्रेजी में का उसको कन्वर्ट कर दिया था। हमारी ईमेल आईडी और हमारा नंबर, हमारी फ़ोटो सब उसने चेंज कर दिया था। कि क्या मंशा रही होगी उसके बारे में तो हमें नहीं पता है। हरिद्वार साइबर क्राइम ने एसएसपी साहब के निर्देश से हमारे फेसबुक आईडी को वापस चालू कराया। इससे लाखों लोग जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास रहती है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी घटना थी। इंटरनेशनल तरीके से हैक किया गया था और किसी प्रकार का उस फेसबुक का मिसयूज नहीं कर पाया वो हैकर, इसलिए वो रुदन कर रहा होगा, वो पश्चाताप कर रहा होगा, या उसकी कोई मंशा पूरी नहीं हो पाई उसको लेकर के भी वो बहुत व्यथित और चिंतित होगा। मुझे लगता है देश में ऐसे बहुत प्रमुख लोग हैं जो सामाजिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और सेवा के जीवन में जिनकी अहम भूमिका रहती है। तो उस परिस्थिति में यह जो जिस व्यक्ति ने हैक किया वो चाइना का है, अभी यहाँ जहाँ तक पता लगा है कि वो चाइना का है, उसकी क्या मंशा रही होगी, उसका क्या भाव रहा होगा, उसके बारे में टीम को जरूर पता होगी, लेकिन टीम ने अभी हम लोगों को इसके बारे में कोई अवगत नहीं कराया है। चाइना के हैकर द्वारा बड़े संत की फेसबुक आईडी हैक करने के मामले के बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा इस मामले में तुरंत कार्रवाई की गई। एसएसपी का कहना है कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की फेसबुक आईडी को हैकर द्वारा हैक किया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही साइबर और एसओजी की टीम बनाई गई। उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए फेसबुक आईडी को ओपन कराया गया। महाराज जी की जो फेसबुक आईडी है उसको हैक कर लिया गया था। इसकी तत्काल सूचना वहाँ से हमें मिली थी और इसमें एक टीम को त्वरित लगा दिया गया था जो हमारी साइबर देख रही थी, और एसओजी की टीम को लगा दिया गया था। और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर से रिक्वेस्ट भी डाली गई और चीज़ों को जब कार्रवाई करते हुए इसको रीओपन करवाया गया, जिससे महाराज जी की आईडी फिर से ओपन हो गई। लेकिन जो भी सोशल मीडिया ऑपरेट करते हैं उनके लिए एक सलाह भी है कि जो भी ऑपरेट कर रहे हैं वो आईडी को सुरक्षित भी रखें और सिक्योर रखें, उनको लॉक करके रखें, जिससे कि कोई भी उस पर अटैक ना कर सके। ठीक है, अभी इसमें जांच चल रही है, अभी इसको ओपन किया गया, जांच चल रही है। जो भी इसमें अपडेट आएगा तो जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको किया जाएगा और नेट के माध्यम से उनको इससे अवगत भी कराया जाता है कि हैकर्स कौन है और उनके खिलाफ फिर उस पर कार्रवाई के लिए लिखा जाता है लीगल। इससे पहले विदेश के कई नामचीन हस्तियों और कई प्रतिष्ठित प्रस्थानों की वेबसाइट को भी हैक करने के मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में जांच कर क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।